2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति इस बार बदली हुई होगी और इसके संकेत इस निकाय चुनाव में मिल रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने मुस्लिम समाज को इतनी बड़ी संख्या में टिकट दिया है। पहले चरण के लिए तकरीबन 250 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं, तो वहीं दूसरे चरण में भी लगभग 100 मुस्लिम उम्मीदवार अलग अलग पदों पर उतार दिए हैं। इनमें नगर निगम में पार्षद का उम्मीदवार, नगर पालिका नगर पंचायत में अध्यक्ष के उम्मीदवार और इसके अलावा वहां के सभासद के उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसमें 5 नगर पालिका अध्यक्ष 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन का टिकट मुस्लिमों को मिला है, तो वहीं स्वार सीट से बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। बीजेपी की इस रणनीति से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिला तो उसे 111 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं बसपा जो 17 में से 11 पर उसने मेयर कैंडिडेट मुस्लिम समाज से उतारा है उसके सामने भी एक चुनौती है। बीजेपी इसके जरिए एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और उसे लग रहा है कि अगर उसका ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा तो 2024 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक बदली हुई रणनीति बीजेपी की दिख सकती है। अगर क्षेत्रवार आंकड़ों को देखो तो मुस्लिम चेहरों को सबसे ज्यादा टिकट पश्चिमी क्षेत्र में मिला है। पश्चिमी क्षेत्र में 18 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के लिए मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने दिए हैं। ब्रज क्षेत्र में 8, अवध क्षेत्र में 6, गोरखपुर क्षेत्र में 2 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है, जबकि सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी सहित कई जिलों में सभासद और पार्षदों के टिकट भी मुस्लिमों को पार्टी ने दिए हैं। दरअसल इस बार निकाय चुनाव में बसपा ने 17 में 11 नगर निगमों में मुस्लिम प्रत्याशी मेयर पद के लिए उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी तकरीबन 350 मुस्लिम उम्मीदवार इस निकाय चुनाव में घोषित किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की भी नजर कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने जमकर वोट किया और इसी का नतीजा रहा कि सपा 111 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। सपा साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी के बहकावे में मुस्लिम समाज नहीं आने वाला। इस बार पूरे अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ हैं। 2022 में भी सबने एक साथ मिलकर के वोट देने का काम किया था। इस बार भी समाजवादी पार्टी को ये पूरा वोट मिलेगा और अधिकांश नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी की विजय होगी। 2017 में निकाय चुनाव हुए थे तब पूरे प्रदेश में बीजेपी ने महज 100 के आसपास ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी पसमांदा समाज पर फोकस कर रही है ये उसी का असर है कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, इसके जरिए इस बार सपा और बसपा के मुस्लिम वोट बैंक की आस को तोड़ने में जुटी है।